नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। पितृ पक्ष चल रहा है और इसका समापन बहुत जल्द होने वाला है। पितृ पक्ष का समापन पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन होता है। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में इन सारी बातों की जानकारी लेने के लिए कि हमें इस दिन श्राद्ध कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। तो एक बार फिर से हमारे आचार्य जी आ गए हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है, इतना महत्वपूर्ण ये दिन है, तो ये कब है ये जरा बताइए। देखिए, आश्वन मास के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। ये प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और इनका विसर्जन सर्व पितृ अमावस्या तिथि को होता है। सर्व पितृ अमावस्या तिथि इस साल 1 अक्टूबर को रात 9:39 से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को रात्रि 12:18 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। इस तिथि में हमें विशेष रूप से अपने पितरों का स्मरण, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए, जिससे कि हमें पितरों की कृपा प्राप्त हो और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमा याचना भी सर्व पितृ अमावस्या तिथि को करनी चाहिए, जिससे हमारे पितर हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमें आशीष प्रदान करके जाएं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। जी आचार्य जी, तो आपने बताया कि पितृ विसर्जनी अमावस्या कब है, लेकिन एक सवाल जो सभी दर्शकों के मन में चल रहा है कि इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन, तो पूजा करने में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, तो अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो इस दौरान हमें ये पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए पूजा जी, सर्व पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है, लेकिन यदि इस ग्रहण की बात की जाए तो 2 अक्टूबर को रात को 9:17 से ये ग्रहण शुरू होगा और इस ग्रहण की समाप्ति रात्रि 3:17 पर होगी। ग्रहण की कुल अवधि 6:04 रहेगी। ये ग्रहण ज्योतिष के मुताबिक कन्या राशि और हस्त नक्षत्र पर लगेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 पहले लगता है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं है, इसलिए इस ग्रहण का कोई सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। इसलिए सभी लोग सर्व पितृ अमावस्या का पर्व बिना किसी संदेह के, संकोच के, श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएं, अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें, गंगा स्नान करें, देवताओं का पूजन करें, तो इस सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव हमारे सर्व पितृ अमावस्या पर्व पर नहीं होगा, भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए आप सूर्य ग्रहण की तरफ से निष्कंटक रहिए, इसका प्रभाव नहीं है, आनंद के साथ इस पर्व को मनाइए। तो सभी के मन में जो संदेह था कि ग्रहण है तो हमें ये पूजा कैसे करनी है और कैसे सबका श्राद्ध कर्म करना है, तो ग्रहण का असर भारत में नहीं होने वाला है, तो आप जिस तरह से पूजा करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, हम कई वीडियोस में चर्चा भी कर चुके हैं कि पितृ विसर्जनी अमावस्या है, इस पर हम सभी लोगों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोग जानना चाहते हैं कि मुख्य रूप से जो पितृ विसर्जनी अमावस्या है इस पर किसका श्राद्ध किया जाता है? देखिए पूजा जी, आश्वन मास के 15 दिनों में हमारे शास्त्रों के मुताबिक हमें पितरों की तिथि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। इसके साथ ही जिनकी तिथि नहीं पता है उनके श्राद्ध के लिए विशेष तिथियां दी गई, जैसे पितातुल्य लोगों का अष्टमी में श्राद्ध कर सकते हैं, जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनका मातृनवमी में कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि संत हैं या हमारे गुरु हैं उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में कर सकते हैं, जिनकी मृत्यु अकाल हुई है, आत्महत्या या बिजली गिरने से दुर्घटना में कोई मृत्यु हुई है उनकी तिथि नहीं पता तो चतुर्दशी तिथि के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। नवजात शिशुओं का श्राद्ध करने के लिए त्रयोदशी तिथि बताई गई, लेकिन आप किसी कारणवश इस पितृपक्ष में
अपनी तिथि के अनुसार या ज्ञात और अज्ञात किसी भी वजह से या किसी सूतक की वजह से आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान विधि विधान के साथ कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई भी श्राद्ध छूट गया है या आपको अपने पितरों की तिथि नहीं पता, जिसकी वजह से आप पूरे महीने 15 दिनों में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो सर्व पितृ अमावस्या तिथि को हमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बात और कह देता हूँ कि जिन लोगों ने तिथि के अनुसार श्राद्ध किया भी है, उनको भी सर्व पितृ अमावस्या तिथि के दिन 3 लोगों को ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। एक किसी ब्राह्मण को, एक किसी ब्राह्मणी स्त्री को और एक 16 साल तक के अविवाहित बच्चे को, यानी इन 3 लोगों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन भोजन करा करके अमावस्या तिथि को ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों का हमें स्मरण करना चाहिए और उनसे जो भी गलती हमसे इस पितृ पक्ष में बनी हो उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह से हमें, चाहे हमें हमने श्राद्ध किए हैं या नहीं किए हैं, इन 3 लोगों को, हर व्यक्ति को सर्व पितृ अमावस्या के दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए। और जिससे कि पितरों की कृपा प्राप्त हो, पितरों की कृपा होती है तो घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है, घर में वंश वृद्धि होती है, उनकी कृपा से ही घर में मांगलिक कार्य होते हैं। जी, तो सर्व पितृ अमावस्या जो है उस दिन आप अपने भूले बिसरे जो पितृ हैं, ज्ञात अज्ञात जो पितृ हैं, सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। चाहे आप उनका श्राद्ध तिथि पर कर चुके हैं तब भी आपको जरूर, जो आचार्य जी ने बताया, 3 महत्वपूर्ण लोगों को खाना जरूर खिलाना चाहिए और साथ ही अपने जो भूल चुके हैं उसकी माफी जरूर मांगे। तो ऐसे में मैं सब ये जानना चाहती हूँ कि श्राद्ध तो हमने कर दिया, लेकिन इसके अलावा क्या मुख्य रूप से हमें इस अमावस्या के दिन करना चाहिए कि जिससे हमें लाभ मिल सके और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके? देखिए पूजा जी, हमें सर्व पितृ अमावस्या के दिन कुछ काम विशेष रूप से करने चाहिए जिससे कि हमारे पितरों को शांति प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, वो प्रसन्न हो और उनकी कृपा हमारे जीवन में आए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पितृ देवो भव, पितृ देवताओं के समतुल्य हैं। यदि घर के पितृ प्रसन्न हैं तो तभी देवताओं की पूजा आपकी सफल होती है। यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो कोई भी देव पूजा भी आपकी सफल नहीं मानी जाती। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या तिथि हम लोगों के लिए साल में किसी वरदान से कम नहीं होती। इस दिन हमें किसी योग्य आचार्य को बुला करके या किसी तीर्थ स्थान पर जा करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, उसके साथ ही ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। ये 3 कार्य तो ये हो गए। उसके बाद जब आप ब्राह्मण भोज करा रहे हैं तो पंचबली कर्म अवश्य करें, यानी कि 5 जगह भोजन आप अवश्य निकालें, 1 गाय के लिए, 1 कौए के लिए, 1 कुत्ते के लिए, 1 चींटियों के लिए और 1 ऋषियों के लिए। 5 जगह हमको ये भोजन अवश्य निकालना चाहिए। इसको हमारे शास्त्रों में पंचवली कर्म कहा गया। 5 जगह भोजन निकाले बिना आपका श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और आपके पितृ भी पूर्ण तरह से प्रसन्न नहीं होते। इसके साथ ही पितृपक्ष में हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से हमारे पितरों की मुक्ति होती है, हमारे कुंडली के ग्रह भी शांत होते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में हमें पितरों की शांति और मुक्ति के लिए दीपदान भी करना चाहिए। अब दीपदान कहाँ करना चाहिए? आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में 4 मुखी दीपक बना करके तेल का दीपदान पितृ विसर्जनी अमावस्या की शाम को करें। इसी तरह पीपल वृक्ष पर शाम के समय अपने पितरों के लिए तेल का दीपक जलाएं, वहां पितरों का स्मरण करें। तीसरी जगह तुलसा जी के पास, तुलसी का आपका जहां क्षेत्र हो, तुलसा जी जहां हो, वहां घी का दीपक जलाना चाहिए और मां तुलसी से अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी तरह आपके पितरों के जहां फोटो लगे हुए हैं उन स्थानों पर नीचे पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी तरह दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए, यानी कि पितृ पक्ष में हमें दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है,
मुक्ति प्राप्त होती है और उनकी प्रसन्नता से हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो ये काम हमें पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन अवश्य करने चाहिए। तो आचार्य जी ने बताया कि आपको किन कामों को पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए, लेकिन आचार्य जी सवाल ये भी है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें खास तौर पर इस दिन नहीं करना है, जिनको करने से हम पाप के भागी बनेंगे, मतलब विशेष रूप से क्या वो कार्य हैं जो हम ना करें। देखिए पूजा जी, सर्व पितृ अमावस्या का पर्व, इसकी शास्त्रों में बहुत महिमा है। ये पर्व पितरों की कृपा पाने के लिए है। इस दिन हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस दिन घर में किसी भी तरह का कोई कलेश नहीं होना चाहिए। घर का वातावरण ऐसा हो जैसे कि कोई मांगलिक कार्य हो रहा है। उसी तरह पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें धूम्रपान या मदिरा पान से भी बचकर रहना चाहिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हम किसी असहाय प्राणी को गलत तरीके से परेशान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन हम किसी बड़े का अपमान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो सब बातें मैं बता रहा हूँ, यदि आप इस तरह के कर्म पितृ विसर्जनी अमावस्या पर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पितृ दोष लग सकता है, और जब जीवन में पितृ दोष होता है तो जीवन नरक बन जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ पितरों की कृपा से ही आप हटा सकते हैं, कोई देव कार्य उसको हटा नहीं सकता। इसलिए जो मैं सावधानियां बता रहा हूं, इनको विशेष ध्यान रखें, और इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें सर्व पितृ अमावस्या का पर्व मनाना चाहिए, यानी कि जिससे कि हमें पितरों की कृपा मिले, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो। जी, तो हमारे ज्योतिषाचार्य से हमने जाना कि पितृ विसर्जनी अमावस्या कब है, और साथ ही इसको मनाते समय यानी कि श्राद्ध कर्म करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों से बचना है, और विशेष रूप से किन चीजों को करना है। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। राधे राधे। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए कि पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन आप और क्या कुछ जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन स्तुति। धन्यवाद।